जय हिंद साथियों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे बाल दिवस पर निबंध हिंदी में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू एवं माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। बाल दिवस पर चाचा नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सभी बच्चे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और उन्हें मिठाइयाँ, टॉफ़ी या चॉकलेट बांटा जाता है। वे अपना समय बच्चों के आसपास बिताना पसंद करते थे। बच्चे किसी भी राष्ट्र के भावी निर्माता होते हैं। इस दिन शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है। बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत कराया जाता है। हमें बच्चों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें बच्चों की शिक्षा व पालन पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।